पानी की समस्या गर्मी के क्षेत्र में बड़ा सामना करना पड़ रहा है पब्लिक को। ग्राम पंचायत खेजटा रामास्थान आवास कॉलोनी पछार निवेदन की आवास कॉलोनी में एक सरकारी कुआं है, उसमें पानी नहीं है। वह भी 3 महीने से सूखा पड़ा है। इस समय में किलोमीटर दूर गांव की रेतली नदी के पार करते हुए लोग पानी लाते हैं। महिला पुरुष बच्चे वहां की भी कुआं दम तोड़ चुके हैं। उससे भी काफी दूर 3 किलोमीटर की दूरी पर एक कुआं है, एक कुआं दम तोड़ चुका है, उसमें भी पानी नहीं है। विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि अभी हमारे पास मशीन नहीं है, क्यों इतना जल्दी हमको यह मोटर दी जाए, पाइप के साथ में बोर कराया जाए। 550, 600, 700 फीट गहरा होता है, बोर होता तब पानी निकलता है। विभाग द्वारा अभी टाइम दिया जा रहा है, इसलिए मशीन उपलब्ध नहीं है। PHI विभाग से निवेदन करता हूं कि जल्दी कृपया करें, जिससे हमारी समस्या का निराकरण होगा, जल्दी लोगों को पानी उपलब्ध हो पाएगा। नल जल योजना जो चल रही विभाग द्वारा अभी तक आपके गांव में नहीं आई? हां, हमारे गांव में नहीं, कोई अगल बगल कोई से भी गांव में नहीं आई है। अच्छा, तो अभी तक कहीं लाइन माइन भी नहीं गड़ी यहाँ पर? लाइन तो गड़ चुकी है लेकिन उसमें पानी आया तब ना। कौन सी गांव की समस्या है? ग्राम केजरा रामा, तहसील कुमरा, जिला गुना, मध्य प्रदेश। कितनी घर की बस्ती है यहाँ पर? 60 घर की आवास कॉलोनी है, उसके बाद में 250 घर का पूरा गाँव है। अच्छा, तो कॉलोनी पे टोटल कितने घर है? कॉलोनी 60 घर। तो अभी तक ये पानी की सुविधा कहीं नहीं है यहाँ? कुछ नहीं है। सब लोग बाहर से पानी लाते हैं? बाहर से लाते हैं। कहीं लोग तो बाहर से लाते हैं और कहीं लोग मोटरसाइकिल से लाते हैं पानी। मैं चलाता ही नहीं यहाँ पे, जो चलाना नहीं जानते वो सिर से डो रहे हैं, माथे से डो रहे हैं। अच्छा, और वो तो ये आवेदन किसके नाम से बनाया आपने? ये आवेदन इसी की वजह से बनाया कि पानी की कमी की वजह से। अच्छा, चलो ठीक। अच्छा, तो आपको क्या चाहिए अभी, मोटर चाहिए क्या बोर चाहिए? पहले हमें तो बोर चाहिए, बोर और डीपी दोनों चीज चाहिए, और वो भी मतलब पूरा कंफर्म पानी दे दे तब मानेंगे हम। अच्छा, तो विभाग द्वारा बताया जा रहा है कि पहले उन्होंने मशीन भेजी थी, उसका क्या हुआ? वो उसका कुछ नहीं हुआ, उसका सफाई हो गई, सफाई के बाद में पानी नहीं निकला। अच्छा, कितने फुट पे पानी होता है? 700 और यहाँ पर सरकारी कुआ है, उसमें कब से पानी नहीं है? 3 महीने हो चुके हैं, उसके बाद से 3 किलोमीटर दूर से पानी लेके आते हैं, और वो भी मतलब जैसे बड़ी बड़ी गाड़ी पड़ती है पानी लाने की। अच्छा, तो अभी तक कोई जनप्रतिनिधि कोई नहीं है आपके यहाँ? कोई नहीं आया, 3 महीने से कुछ नहीं आते हैं। आते तो कुछ नहीं करते हैं, बस होता है बोलते हैं कि होगा, हो जाएगा। अच्छा, एक दो बार तो टैंकरों की बोली। कितने दिन से पानी की समस्या है यहाँ पर? पानी की 3 महीने से समस्या है, 3 किलोमीटर से दूर से लाना पड़ता है, और बीच में नाला पड़ता है, उसकी वजह से मतलब जो घाटी है उसमें कई औरतें गिर चुकी है। तो कितना किलोमीटर दूर है? 3 किलोमीटर दूर है, औरतें जाती है मतलब बच्चों को भी साथ में लेके जाती है। तो यहाँ पर कोई सरपंच सेक्रेटरी कोई नहीं है अभी तक? सरपंच सेक्रेटरी कुछ नहीं आते हैं, लगभग 3 महीने से कुछ भी नहीं आ रहा है सरपंच सेक्रेटरी, कुछ भी नहीं आ रहा है। पक्का बोर चार गयो, डीपी चार। कितना घेरे पे पानी निकलेगा यहाँ पर? 500 से 700 गहराई करनी है, 400 पक्का बोर बंद हो। तो यहाँ पर पहले कहीं बोर किया था? बोर किया था, बहुत पहले मतलब उसमें मतलब खराब हो चुका है, उसकी सफाई भी हो चुकी है, उसके बाद में सफाई होने के बाद में भी कुछ। डिज्नीलैंड मेला एवं प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ गुना में किया गया है, जहां आपको मिलेगी ग्वालियर की मशहूर सॉफ्टी, मुंबई की भेलपुरी एवं कोल्ड ड्रिंक, साथ ही यहां पर आप हवाई झूला, मयूरी बोट, ब्रेव डांस झूला, ड्रैगन झूला आदि के मजे ले सकते हैं। वहीं बच्चों के लिए खास तौर से मिक्की माउस भी बुलाए गए हैं। महिलाओं के लिए जहाँ एक और फिरोजाबाद की मशहूर चूड़ियाँ, ज्वेलरी और कटारी तथा हैंडलूम आइटम्स की व्यवस्था की गई है। वहीं बच्चों के लिए ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी मिलेंगे। इसके साथ ही हर उम्र के व्यक्तियों के लिए यहां मनोरंजन की खास व्यवस्था भी की गई है। पता नोट करें, प्रताप छात्रावास गुना।